हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज हम ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन वाली स्वेटर बनाना सीखेंगे। स्वेटर नहीं बनाएंगे, मतलब इसका डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे, और ये स्वेटर की बुनाई किस तरह से करते हैं वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने रखने हैं 6 के मल्टीपल में फंदे, जमा आपको बाद में इसमें 3 कर लेना है। 6 से गुणा करके आपको फंदे रखने हैं और जमा बाद में आपको 3 इसमें कर लेना है, तो आपका जो डिज़ाइन है अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 15 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, सबसे पहले आप जो बेसिक, मतलब जब हम इस डिज़ाइन की स्वेटर बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जब आप बॉर्डर बनाओगे तो बॉर्डर में सबसे पहले आपने एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से 8 सिलाइयाँ डाल लेनी है। 8 सिलाइयाँ आपको डाल लेनी है, एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरीके से आपको डाल लेनी है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। 8 सिलाइयाँ ये बेसिक रहेगी हमारी। ठीक है, ये हर बॉर्डर में पड़ेगी, चाहे आप नीचे पल्लों वाला बॉर्डर बना रहे हो या फिर बाजू का बॉर्डर बना रहे हो, जैसे भी आप इसको बना रहे हो। ठीक, तो बॉर्डर में ये 8 सिलाइयाँ शुरू में बेसिक पड़ेंगी ही पड़ेंगी इस डिज़ाइन की स्वेटर अगर आप बनाना चाहते हो। उसके बाद हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ डाल ली है, तो इसके बाद मैं यहाँ से आपको बताती हूँ अब हमने डिज़ाइन में क्या करना है। पहली रो सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद हमें यही रो रिपीट करनी है। आगे रो 1, रो 3, रो 5 और रो 7 इसी तरीके से हमने बनानी है। रो 1 जैसे मैं बनाऊंगी वैसे ही आपको रो 7 तक राइट साइड से बनाई करनी है। तो पहले फंदे को सीधा उतारा, धागा आप अपनी तरफ लाया, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने उल्टे बनाई कर लिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे और यही 6 फंदे हम रिपीट करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, एक फीसरों को बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए या बार बार रिपीट करके देखिए, जो भी बिगनर्स हैं। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बनाइए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए, यही 6 फंदे हमने बार बार रिपीट करते जाना है और रो 7 तक आपको इसी तरह से बुनाई करनी है राइट साइड से। धागा लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली सिलाई सीधी तरफ से। तो रो 2 रॉन्ग साइड से, ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से हमने रो 8 तक बनाई करना है रॉन्ग साइड से। तो रो 2, रो 4, रो 6 और रो 8 इसी तरीके से हमने बुनाई करनी है। तो क्या करना है ध्यान से देखिए, पहले फंदे को हमने उल्टा उतारा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ये 2 हमारे एक्स्ट्रा फंदे रहेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा पीछे, सॉरी, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो आप देखिए, ये शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक उल्टा सीधा उल्टा और 3 फंदे सीधे। इसी तरीके से हमने रो 8 तक बनाई करना है, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ठीक है, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। सारी रो हमने इसी तरीके से ही कंप्लीट करनी है, लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। तो अब रो 8 तक आपने इसी तरीके से बुनाई कर लेनी है। ठीक है, राइट साइड से रो 1 रिपीट करनी है और रॉन्ग साइड से रो 2 रिपीट करनी है रो 8 तक। तो रो 8 तक बुनाई कर लीजिए, फिर मैं आपको रो 9 बताती हूँ, रो 9 हमारी किस तरीके से पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रो 8 तक मैंने बुनाई यहाँ पे कर ली है। ठीक है, और ये मैंने और पैटर्न पे बनाया हुआ है, मैंने थोड़ा सा बड़ा पैटर्न बनाया ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि डिज़ाइन इसी तरह से दिख रहा है या कुछ और तो नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा पैटर्न यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाए हैं 33 स्टिचेज। इस पैटर्न में मैंने 33 फंदे डाले हुए हैं।
ठीक है, रो 8 तक आपने बुनाई कर लेना है और 8 सिलाई बुलाने के बाद ये मेरी रो 9 है राइट साइड से। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब हमने क्या करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। 9 राइट साइड से ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। देखिए पहले फंदे को हमने यहाँ पे सीधा उतारा, इस रो को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसी की तरह आपको बनानी है, ठीक है। रो 9, रो 11, रो 13 और रो 15 सेम आपको इसी तरीके से बुनाई करनी है, तो इसलिए इस रो को ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारा, धागा आगे लाएंगे, अब यहाँ से हम अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा आगे लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। 1, अब ये जो हम सीधा बुनाई कर रहे थे इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। 2, ये जो उल्टा था इसको उल्टा बुनाई करेंगे। 3 और ये 4, धागा पीछे, ठीक है। अब ये शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे और यही 6 फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए क्या रिपीट करना है, ध्यान से देखिए। एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे। 1, ये देखिए जो सीधा था उसको भी उल्टा बुनाई करेंगे। 2, 3 और ये 4, ठीक है। यही 6 फंदे देखिए हमने बार बार रिपीट करना है, ठीक है। ये ध्यान से देखना है कि ये जो 3 फंदे हैं ना, इनमें बीच वाला फंदा सीधा बनेगा और बाकी ये फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। देखिए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, धागा पीछे, सॉरी धागा आगे ही रहेगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से आपने सारी रो कंप्लीट करनी है और इसी की तरह आपको रो 15 तक बुनाई करना है राइट साइड से। देखिए फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4। अब लास्ट में देखिए ये 2 फंदे बचेंगे, एक हमारा उल्टा बनेगा और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आ जाइए रो 10 पर रॉन्ग साइड से, 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से। इस रो को भी ध्यान से दिखेगा क्योंकि इसी की तरह आपको रो 16 तक बनानी है रॉन्ग साइड से। रो 12, रो 14 और रो 16 सेम इसी तरीके से आपकी बनेगी। तो क्या करना है, पहले फंदे को उल्टा उतारा, धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा, ठीक है, फिर 4 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ठीक है। यही हम देखिए रिपीट करेंगे, ये शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे, यही 6 फंदे हम रिपीट करेंगे। 5 फंदे हमारे यहाँ पे देखिए उल्टे बनेंगे, 1, 2, सॉरी सीधे बनेंगे, 3, 4, 5, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हमने बनाना है, 5 फंदे हमारे ये सीधे बनेंगे, 5 और एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा। इसी तरीके से हमने सारी रो ये कंप्लीट करनी है। 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे और एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा। सारी रो 16 तक आपने रॉन्ग साइड से यही रिपीट करना है। 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे और एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा। अब लास्ट में हमारे पास बचेंगे 2 फंदे, एक हमारा सीधा बनेगा और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। तो अब इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए रो कितने तक, रो 16 तक। राइट साइड से आपने करनी है रो 9 रिपीट और रॉन्ग साइड से करनी है आपने रो 10 रिपीट रो 16 तक। तो ये आप बना लीजिए पहले, अब बहुत इजी लगेगा क्योंकि इसी के ऊपर आपको बनाना है, तो जैसा फंदा दिख रहा है उसी के ऊपर आपको वैसा ही फंदा बनाना है। तो देखिए रो 16 तक मैंने यहाँ पे बुनाई कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो रो 16 तक बुनाई करने के बाद हमारा डिजाइन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब फिर से हमने रो 1 से यहाँ से रिपीट करना है, जैसे हमने रो 1 डाली थी अब फिर से वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। रो 1 से लेकर रो 16 तक ही हम कंटिन्यू करेंगे जितना भी हमने डिज़ाइन यहाँ पे डालना है। तो रो वन किस तरीके से पड़ी थी वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले फंदे को उतारा और 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनाई करेंगे
फिर आगे वाले तीन फंदों में एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, एक सीधा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम ऊपर तक बुनाई करेंगे। तो हमारा ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन कुछ इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इस तरीके से हमारी भी ब्यूटीफुल स्वेटर बन सकती है अगर आप इसी तरीके से बनाओगे। आप चाहे मस्टर्ड कलर में बनाइए, कोई भी कलर आप इसमें बना सकते हो। सो होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।